समाज सेवक श्याम इड़पवार द्वारा शहर के जनता के हित में तीन मुद्दों को लेकर दिया गया उपविभागीय अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को निवेदन। समस्या के समाधान नहीं हुआ तो श्याम इड़पवार द्वारा 22 जनवरी से किया जाएगा सत्याग्रह आंदोलन। समाज सेवक श्याम इड़पवार के नेतृत्व में शहर के त्रस्त नागरिकों द्वारा किया उपविभागीय अधिकारी हिंगनघाट द्वारा जिला अधिकारी वर्धा को निवेदन दिया गया। शहर के समस्या में हमेशा तत्पर रहने वाले श्याम इड़पवार ने शहर के हित में महत्वपूर्ण झोपड़पट्टी पुनर्वसन कायदा अंतर्गत पट्टे दिए जाए। शहर में गोरखपुर एक्सप्रेस, दक्षिण एक्सप्रेस, जीटी एक्सप्रेस, जयपुर एक्सप्रेस का हिंगनघाट पूर्वरत रेलवे स्टेशन पे स्टाफ दिया जाए। उसके साथ हिंगनघाट के पूर्व सैनिक को शासन की ओर से नियम से 1500 स्क्वायर फुट के भूखंड दिए जाने, इन महत्वपूर्ण मांगों को गंभीरता पूर्ण लेके सभी मांगे पूर्ण करके हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को न्याय देने की बात कही गई। इस निवेदन को देने के बाद भी समस्या को सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया तो जनता के हित के लिए 22 जनवरी को उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने जनता के न्याय के लिए जब तक न्याय मिलता तब तक श्याम इड़पवार सत्याग्रह आंदोलन करने की बात कही है। साहेबाज आमच्या हिंगनघाट शहरामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यांतर्गत जे पट्टे देण्यासाठी शासन निर्णय चार निर्णय असतानाही पट्टे मिळालेले नाही आहे। दुसरी गोष्ट, जे आमचे सैनिक बंधू आहे, माजी सैनिक बंधू, त्यांना 1500 स्क्वेअर फूट त्यांना देण्यासाठी माडा कॉलनीकडे त्यांना पट्टे देण्याबाबतचा निर्णय होता, तो निर्णय कुठंतरी धूळ खात्याची फाईल। तिसरी गोष्ट, करंटमध्ये मी खासदार साहेबांना या माध्यमातून विनंती करतो की गोरखपूर, जीटी, दक्षिण, जयपूर एक्सप्रेस ह्या सर्व हिंगनघाट इथं थांबा होता या गाड्यांचा हिंगनघाट रेल्वे स्टेशनवरती, परंतु आता काही दिवसापासून त्याचा थांबा नसल्यामुळे हिंगनघाटच्या नागरिकांना, उद्योगपत्यांना, प्रवाशांना, अपडाऊन करणाऱ्यांना खूप त्रास होत आहे। म्हणून शासनाला विनंती आहे का या सर्व माझ्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी मी आज या उपविभाग अधिकाऱ्यांमध्ये निवेदन दिलेले आहे। हिंगनघाट से रवी नोरकर की रिपोर्ट, BC News, नागपूर।